अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रोज़ा की हालत में अगर किसी ने खाना पीना खा लिया तो रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा, और अगर भूलकर खाया तो रोज़ा टूटेगा कि नहीं, और अगर जानबूझकर खा लिया या पानी पी लिया तो रोज़ा टूटेगा या बचेगा। तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले कि हम आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दें। तो दोस्तों आइए बात करते हैं, और इस वीडियो को आप आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपकी वजह से और लोगों को भी ये मसला पता चल सके। तो बिला दाखिल नाज़रीन कराम बात करते हैं, और इस बारे में हदीस पाक भी मौजूद है। एक हदीस पाक आपको हम सुनाते हैं कि सही बुखारी शरीफ और वो सही मुस्लिम में ये रिवायत किया गया है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस रोज़ादार ने भूल कर खाया या पानी पिया वो अपने रोज़ा को पूरा करे कि उसे अल्लाह अज़्ज़ वजल ने खिलाया और पिलाया है। यानी पता ही चलता है कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि जिस शख्स ने रोज़े की हालत में भूल कर खाना खा लिया या पानी पी लिया तो वो मिन जानिब अल्लाह, यानी अल्लाह के जानिब से है, वो रोज़े को पूरा करे। इसी तरीके से किताबों में आता है कि भूल कर खाया या पानी पिया या जिमा किया यानी अपनी औरत से मिला तो रोज़ा फासिद न हुआ, ख्वाह वो फर्ज रोज़ा हो या नफल रोज़ा, और रोज़ा की नियत से पहले ये चीज़ें पाई गईं या बाद में, मगर जब याद दिलाने पर भी याद न आया कि रोज़ादार है तो अब फासिद हो जाएगा, बशर्ते ये कि याद दिलाने के बाद ही अफ़ाल वाक़े हों, मगर इस सूरत में कि कफारा लाजिम नहीं। यानी अगर किसी ने भूल कर खाना खा लिया और पानी पी लिया और अपनी बीवी से मिल लिया तो इस सूरत में उसका रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे वो फ़र्ज़ रोज़ा हो चाहे नफली रोज़ा हो। और अगर उसको याद दिलाया गया कि तुम रोज़ा हो फिर भी ऐसा कर रहे हो तो उसने उस काम से बाज नहीं आया बल्कि खाना खा लिया, पानी पी लिया, जमा कर लिया, तो अब उसका रोज़ा टूट गया लेकिन उस पर कफ़ारा लाजिम नहीं हुआ। यानी याद दिलाने पर भी याद ना आए तो ऐसे शख्स पर लाजिम नहीं है, कफारा लाजिम नहीं है, लेकिन वो रोज़ा टूट गया। और बताया जाता है कि किसी रोज़ादार को इन अफ़ाल में देखे तो याद दिलाना वाजिब है। यानी अगर कोई शख्स खाता रोज़ा था और अचानक उसको खाते देखे, खाना खाते या पानी पीते, तो देखने वाले पर ज़रूरी है, वाजिब है कि उसको याद दिला दे कि तुम यार रोज़ा थे। याद न दिलाया तो गुनहगार हुआ, मगर जबकि वो रोज़ादार बहुत कमज़ोर हो कि याद दिलाएगा तो वो खाना छोड़ देगा और कमज़ोरी इतनी बढ़ जाएगी कि रोज़ा रखना दुश्वार होगा, और खा लेगा तो रोज़ा भी अच्छी तरह पूरा कर लेगा और दीगर इबादतें भी बखूबी अदा कर लेगा। तो इस सूरत में याद न दिलाना बेहतर है। बाज़ मशाइख ने कहा है कि जवान को देखे तो याद दिलाए और बूढ़े को देखे तो याद न दिलाए, मगर ये हुक्म अक्सर लिहाज से है कि जवान अक्सर कवी ताकतवर होते हैं और बूढ़े अक्सर कमज़ोर होते हैं, और असल हुक्म ये है कि जवानी और बुढ़ापे को कोई दखल नहीं बल्कि कुव्वत व कमज़ोरी का लिहाज है। लिहाजा अगर जवान इस कदर कमज़ोर हो तो याद न दिलाने में हर्ज नहीं, और बूढ़ा कवी हो तो याद दिलाना वाजिब है। यानी अगर कोई बूढ़ा शख्स रोज़ा है और वो बहुत ही कमज़ोर है और वो रोज़े की हालत में भूल कर खाना खा रहा था तो उसको याद न दिलाया जाए, लेकिन अगर वो कमज़ोर नहीं है तो वहाँ पर याद दिलाना वाजिब हो जाएगा। और अगर कोई जवान आदमी कमज़ोर हो गया है तो वहाँ पर जब उसको खाना खाते देखे तो याद न दिलाए, और अगर जवान ताकतवर है तो जब उसको भूल कर खाना खाते देखे तो देखने वाला उसको ज़रूर याद दिला दे जब वो ताकतवर हो तब, और ताकतवर नहीं है तो उसको याद न दिलाया जाए, यही बेहतर है। तो नाज़रीन कराम आज का ये वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में अच्छी बातें होंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फिर से हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारी बातें समझ गए होंगे। अगर समझ ना आए तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में वहाँ पूछ सकते हैं। नाज़रीन कराम आज का वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।